हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। आज ना मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ मटन कीमा मसाला। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया हुआ है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना ये 1 किलो मटन है, जिसे कि मटन कीमा है, जिसे कि अच्छे से धो लिया है। अब इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड करूंगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, डेढ़ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो छोटा चम्मच मटन मसाला पाउडर, और 1 से 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीजों को मैं इस मटन कीमा में ऐड करने के बाद अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। आधे घंटे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ इस कुकर में 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर मिक्स किया हुआ है और इसे गरम कर लिया है। तेल और बटर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटा चम्मच जीरा और साथ ही साथ डालूंगी ये कुछ खड़े गरम मसाले। ये मसाले स्प्लटर हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी ये 6 मध्यम आकार के प्याज थे, जिन्हें कि मैंने पीस लिया हुआ है। इस प्याज को हमें मध्यम आंच पे 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून कर पका लेना है। इस प्याज को भूनते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये 4 बड़े आकार के टमाटर, इन्हें भी मैंने पीस लिया हुआ था। अब इस टमाटर को भी मैं 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूंगी। अभी भी मैंने गैस की जो आंच है वो मध्यम ही रखी हुई है। इस टमाटर को भी भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहां मैं इस बर्तन में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार,
और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और इस मसाले को मैं इस बर्तन में डालकर इसे भी अब अच्छी तरह से पका लूंगी। माफ कीजिएगा, मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी मसालों में। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ मैं एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लूंगी। और लूंगी दो बड़ा चम्मच मीट मसाला पाउडर का। इन सूखे मसालों को भी भूनते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये चार हरी मिर्च और ये मटन कीमा और इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। इस मटन कीमा को ना हमें तब तक पकाना है जब तक तेल और कीमा अलग अलग नहीं हो जाते हैं, तब तक अच्छी तरह से पकाएंगे। इस कीमा को हमें मध्यम आंच पे ढककर अच्छी तरह से पकाना है। ये कीमा ऑलमोस्ट 95% तक पक चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये थोड़े से कसूरी मेथी ऐड करूंगी। और इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर में एक सीटी दलवा लेती हूँ। कुकर ने एक सीटी दे दिया है, मैंने गैस भी बंद कर लिया है। अब मैं कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम ढक्कन खोल के ये मटन कीमा मसाला चेक कर लेते हैं। हम ऊपर से थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा मटन कीमा मसाला खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरी ये मटन कीमा मसाला की सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी
और आप भी से एक बार मेरी तरह से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।